शासन कर रहे थे, तो उसी दरमियान ही जो है इनकी जो शाखा है दो भागों में बट गई थी। कैसे? मुख्य शाखा और गौण शाखा के रूप में बट गई थी। मुख्य शाखा में कौन सा रहेगा? रतनपुर मुख्य शाखा थी, वहीं रायपुर क्या है आपका? गौण शाखा के रूप में मतलब आगे जाके विस्तारित हुआ। और आपका जो है इसके संबंध में जो है दो इतिहास है, जैसे कि एक बाबू रेवाराम के इतिहास के अनुसार और दूसरा एक कुछ संवत के बारे में हम अपन देखेंगे, है ना। देखिए बाबू रेवाराम के इतिहास अनुसार क्या कहा जाता है कि जो 15वीं सदी थी, है ना, 15वीं सदी थी, उस टाइम पे जो जगन्नाथ सिंह जो एक क्या थे, कलचुरी राजा थे रतनपुर के, उसके जो है दो पुत्र थे, वीर सिंह देव और देव सिंह देव, ये दो उसके पुत्र थे। इन दोनों के बीच मतलब इन दोनों को इसने क्या किया, अलग अलग राज्य दिया। तो वीर सिंह देव जो है ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि उसका बड़ा पुत्र था, इसलिए उसको क्या मिली, रतनपुर शाखा, ठीक। और देव सिंह को जो है ये छोटा था, इसलिए इसको रायपुर की शाखा मिली। रायपुर कौन सी शाखा थी? गौण शाखा थी, है ना। रायपुर शाखा में कौन सा? शिवनाथ नदी के दक्षिणी भाग। आपको पता है शिवनाथ नदी जो है कैसे बहती है, उसका जो दक्षिणी भाग है उसकी उस तरफ वाला एरिया क्या मिला इसको? रायपुर वाला देव सिंह को मिला। इसी तरह ये तो बाबू रेवाराम के इतिहास के अनुसार हो गया कि जगन्नाथ सिंह थे जिसका दो पुत्र थे, दो पुत्रों के बीच में बंटवारा हुआ तो उत्तर दक्षिण के हिसाब से इनको मिल गया। नेक्स्ट एक ये मतलब कहा जाता है कि ये रायपुर में जो है संवत 1458 और खल्लारी शिलालेख, मतलब खल्लारी में विक्रम संवत 1470 का जो शिलालेख है खल्लारी का, है ना, इसमें जो प्राप्त हुआ है उस साक्ष्य के हिसाब से क्या है कि राय और हरि ब्रह्मदेव को रायपुर का राजा बताया गया। इसमें राय और हरि ब्रह्मदेव को राजा बताया गया, ये दो चीजें मान्यताएं इसमें देती है। तो देखिए ये तो सिर्फ मैंने ये बता दिया कि इनका अभ्युदय जो है रायपुर में कैसे हुआ, ठीक। हमको इसके कुछ चार पांच प्रमुख शासकों को देखना है, चलिए आगे उसी का हम अध्ययन करते हैं। इसके पहले जैसे कि हमने देखा बाबू रेवाराम के अनुसार जो इतिहास था और खल्लारी अभिलेख, इन दोनों अभिलेख के आधार पर ये कहा जाता है कि ये जो शाखा है रतनपुर की ही शाखा थी, लेकिन उनके अपने आपसी पारिवारिक झगड़े के कारण जो ये दो अलग अलग शाखाओं के रूप में बट गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है आपकी रायपुर की लोहरी शाखा स्थापित हुई, ठीक है। तो इस लोहरी शाखा में जो है प्रमुख शासक कौन कौन थे ये देखते हैं। केशवदेव, लक्ष्मीदेव का पुत्र सिंहणदेव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, अमर सिंह, ये सभी क्या है रायपुर की लोहरी शाखा के कलचुरी शासक हैं। केशवदेव क्या है, लोहरी जो शाखा है, लोहरी शाखा के संस्थापक है कौन? केशवदेव। इनकी राजधानी खल्लारी है। खल्लारी कहाँ आपका? रायपुर जिला, है ना, रायपुर में है खल्लारी। रामचंद्रदेव जो है रायपुर नगर की स्थापना, रामचंद्रदेव ने जो है रायपुर नगर की स्थापना की थी। और इनके इस समय जो है ये खल्लारी जो अभिलेख है इसके अनुसार हमको ये पता चलता है कि जो ब्रह्मदेव का पूर्वज यानी कि रामचंद्रदेव जो थे, ब्रह्मदेव के जो पूर्वज रामचंद्रदेव ने जो है फणी नागवंश के राजा भोणिक देव को पराजित किया था। किसने? रामचंद्र ने जो है भोणिक देव को पराजित किया था। भोणिक कौन था? फणी नागवंश का राजा था, और पराजित किसने किया इसको? रामचंद्र देव ने, ठीक। चलिए आगे देखते हैं ब्रह्मदेव के शासनकाल में अच्छी चीज क्या हुई है कि देवपाल नामक इसका एक मतलब इसके काल में एक मोची था देवपाल नामक, इसने जो है 1415 ईस्वी में खल्लारी महासमुंद में जो है विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। एक मिनट, सॉरी, हाँ, रायपुर खल्लारी आपका महासमुंद है, सॉरी फ्रेंड्स, गलतियां हो जाती है, खल्लारी आपका महासमुंद में है, ठीक। देखिए विष्णु मंदिर कहाँ बनवाया है इसने? ब्रह्मदेव के शासनकाल में देवपाल मोची नामक ने जो है, मोची था उसने जो है 1415 ईस्वी में आपका विष्णु मंदिर बनवाया, ठीक है। ये थे प्रमुख शासक। एक और आपका बचता है अमर सिंह का जो है केवल एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है, और अमर सिंह जो है रायपुर के कलचुरी शाखा का अंतिम शासक था, ठीक। देखिए अमर सिंह तो अंतिम शासक था ही, लेकिन उसके पीछे भी छोटी सी कहानी ये है कि 1750 में अमर सिंह के जो है उसके राज्य को मराठों ने छीन लिया था। 1750 में अमर सिंह के जो उसका जो शासन एरिया था उसको किसने छीन लिया था? मराठों ने छीन लिया था।
और छीनकर जो है रायपुर राजिम पाटन का जो इलाका है उसे दे दिया, मतलब टकौली के रूप में उसको बांध दिया, 7,000 रुपए वार्षिक टकौली के रूप में बांध दिया। 1750 में मराठों ने जो है क्या किया, इनके साथ इनके राज्य को छीन लिया और कुछ राज्य इसको दे दिए, जैसे कि रायपुर राजिम पाटन दे दिए, है ना, और उसको जो है 7,000 रुपए वार्षिक टकौली के रूप में बांध दिया गया। ठीक, अब 1753 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई उस समय इनका पुत्र शिवराज सिंह जो है वो नहीं था, वो कहाँ गया हुआ था, वो तीर्थ यात्रा में गया हुआ था। शिवराज सिंह तीर्थ यात्रा में गया हुआ था जब इनकी मृत्यु हुई, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इनका राजपाट तो छीन गया था। जब शिवराज सिंह वापस आते हैं तीर्थ से तो वो बिंबा जी के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो उसे जो है बिंबा जी भोसले जो है उन्हें माफी स्वरूप क्या प्रदान करते हैं, माफी स्वरूप जो है महासमुंद तहसील में स्थित बड़गांव क्षेत्र शिवराज सिंह को जो है माफी के रूप में देते हैं, है ना। जब वो बिंबा जी भोसले से बात करने गए तो उनको क्या मिला, महासमुंद तहसील मिला माफी स्वरूप। ठीक, ये हो गया रायपुर के कलचुरी शासक, पूरा कंप्लीट हो गया। अब इनमें हमको बस क्या देखना है, इनका प्रशासन कैसा था, सामाजिक कैसा था, आर्थिक कैसा था, सांस्कृतिक कैसा था, धर्म कैसा था, ये एक टॉपिक और इसमें बचते हैं, फिर हमारा कलचुरी पूरी तरीके से कंप्लीट, कोई भी चीज इसमें बची नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का मेरा ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है और अच्छा आपको पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक